अब मैं कुछ चेहरों का जिक्र करूंगा संदीप दुबे जी। पार्टी कार्यालय के बाहर एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जोग नेता आता है उसके दाग धुल जाते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं सर आपके सामने। शुरुआत करते हैं शनंदो अधिकारी, याद कीजिएगा यही चेहरा है आपके सामने। टीएमसी के नेता थे, उनका पूरा कैंपेन शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर था और शनंदो अधिकारी के खिलाफ आपने एक कैंपेन चलाया था। कई महीनों तक कैंपेन चला, केंद्र में सरकार आई, सीबीआई ने केस दर्ज किया, 2017 में ईडी ने छापा मारा, इसके बाद बीजेपी ज्वाइन की। बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी का जिक्र आपने किया था, लेकिन आज तक ईडी सीबीआई की जांच को लेकर कहां तक पहुंची इसका कोई भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया। अगला नाम आता है हेमंता बिस्वा। अगस्त 2015 से पहले कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी ने असम के कैंपेन में वाटर स्कैम का जिक्र किया था और इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी किसी को नहीं बताया था। आज वो असम के सीएम है जिनके खिलाफ आपने कैंपेन चलाया। अगला नंबर आता है मुकुल रॉय का। मुकुल रॉय बंगाल के बड़े चेहरे, ये आपके सामने। 3 नवंबर 2017 बीजेपी ज्वाइन की, पहले वो चिट फंड स्कैम में शामिल बताए गए, इसके बाद 12 टीएमसी नेताओं के साथ स्टिंग ऑपरेशन प्रचारित हुआ, बकायदा आपने किया, फिर बीजेपी में शामिल हुए, मामला ठंडा हो गया। अगला नंबर आता है नारायण राणे का। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, बीजेपी ने आरोप लगाया था नारायण राणे को लेकर और ईडी ने बकायदा केस दर्ज किया, जमीन घोटाले का केस चला, अब वो पाक साफ हो गए हैं क्योंकि वो आपके साथ शामिल हैं। अगला नंबर नारायण राणे के बाद आता है पेमा खांडू का, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी आपने कैंपेन चलाया, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए, बात खत्म हुई। विजय बागड़ा 2013 का घोटाला आपने जिक्र किया, देश के प्रधानमंत्री ने बकायदा परेड ग्राउंड में आरोप लगाया था और आज तक खुलासा नहीं हुआ कि आपदा घोटाला हुआ 2013 में या फिर नहीं। ऐसा ही एक मामला देवेंद्र फडणवीस को लेकर सामने आया, जब उन्होंने अजीत पवार का भ्रष्टाचार खत्म किया रातों रात, अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगे थे। इस घोटाले के 17 मामलों में अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई रातों रात, जब उन्होंने आपके साथ हाथ मिला। ये तमाम उदाहरण हैं, लिस्ट बहुत लंबी है संदीप दुबे जी, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि जिन्हें आपने भ्रष्टाचारी कहा, आपकी पार्टी में आए, कौन से वॉशिंग मशीन और कौन से पाउडर का इस्तेमाल किया कि सारे दाग धुल गए। हम सब लोग जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि जब तक कोर्ट से कोई व्यक्ति सजा नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसे पर्सनल तौर पे हम उसे मुलजिम नहीं मानते। ये जब समय आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें सब में जो अगर दोषी होगा उसको सजा होगी, जो निर्दोष होंगे वो बच जाएंगे। इनके ऊपर आपने आरोप लगाया, आज यही जो है वो आपकी पार्टी में शामिल है, इनके यहाँ पर ईडी सीबीआई नहीं आती दुबे जी, क्यों? ईडी जब सीबीआई कार्रवाई करती है तो वो पॉलिटिकल देख के नहीं करती कि व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है, जो वो एजेंसी अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है उसमें। एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि भाई अगर हमारे को कोई सबूत दे तो हम वहां पर भी ईडी सीबीआई भेज देंगे। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तराखंड। मैं राज्य के मुख्यमंत्री का लेटर आपको दिखाता हूँ, आपने भी सुना होगा इस वक्त उत्तराखंड में भर्ती घोटाला चल रहा है और जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक भर्ती घोटाले की बातें सामने आ रही हैं। आपके नेताओं पर, संघ के चेहरों पर ना जाने कितने, विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैंने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और मैंने अपने चाचे भतीजों को, जिस को चाहे मंत्रियों को, सबको लगाया, सबको सेट किया। अब मुख्यमंत्री का लेटर देखिए सर, मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा और मुख्यमंत्री जी ने बकायदा लेटर में, ये लेटर जो है मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा और दिलचस्प बात यह है कि इस लेटर में वो सब कुछ लिखते हैं जिसमें घोटाले का जिक्र होता है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, विधानसभा में हुई नियुक्तियों में उच्च स्तरीय जांच की जाए, अगर नियुक्तियां गलत पाई जाए तो इन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाए। उत्तराखंड में ईडी सीबीआई का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जो शख्स भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुआ है वो उत्तरकाशी जिले के अंदर जिला पंचायत सदस्य है और वो बीजेपी का नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर आपके तमाम मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें हैं और ये बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, वहां तक आज तक ईडी सीबीआई नहीं पहुंची सर। हम सबको देखने का अलग अलग नजरिया, जब एफआईआर हो जाती है स्टेट में और स्टेट गवर्नमेंट कोई काम कर रही होती तो वहां सीबीआई ईडी नहीं जाती, स्टेट की एजेंसियां करने में सक्षम है तो स्टेट की एजेंसियां उसकी जांच करती है। विपक्ष के राज्यों में विपक्ष से पूछकर सीबीआई जाती है या ईडी जाती है? नहीं जाती ना सर, विपक्ष से नहीं, विपक्ष वहां पे एफआईआर नहीं लॉन्च कर पाती। देखिए विपक्ष क्या है, जो अपने क्राइम करने वाले लोग हैं, इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, वो भी एफआईआर करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको लॉकर चेक हुए मनीष सिसोदिया के जाकर, अखिलेश यादव जी के भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लालू जी के भी करो, तेजस्वी के भी करो, नीतीश के भी करो, जिसके करने करो, लेकिन कभी बीजेपी नेताओं के लॉकर चेक नहीं हुए कि आपके 1000 विधायक है, 300 से ज्यादा सांसद है, आज तक 2014 के बाद से किसी ने भी ईडी के द्वार पर ना गए और ना ईडी गई उनके द्वार पर।
क्यों ऐसा? आपको भी अगर लगता है कि कोई गलत भारतीय जनता पार्टी वाला है या किसी भी पक्ष वाला है तो आप भी कंप्लेंट ईडी सीबीआई में जाके दीजिए, बताइए, जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा है कि एजेंसियां पक्षपात नहीं करती, लेकिन हम राजनीति में लोग राजनीति को अपना महत्वाकांक्षा बना लेते हैं और एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते हैं। आपके राज में 3000 छापे पड़े, 29 पर कन्विक्शन हुआ, 0.4 का रेशियो दिखाई देता है, मैं गलत हूँ? हाँ बिल्कुल, 2004 से 14 के बीच 1200-1300 छापे पड़े थे। अब छापों की संख्या बढ़ी है क्योंकि स्वतंत्र रूप से ईडी और सीबीआई वालों को काम करने दिया जा रहा है। जनता देख रही है, विपक्ष जो है आज इस वजह से परेशान नहीं है कि वो मोदी जी का विरोध कर रही है, विरोध करे विपक्ष इसलिए परेशानी को दिशा विहीन है।